नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग को दर्शन और शिक्षा के बारे में बताऊंगा कि आप जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं या बेचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे एक्सप्लेन करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले एग्ज़ाम में। आइए मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे क्वेश्चन को हल करें सिनोप्सिस के आधार पर। मैं आज आप लोग को दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता एवं संबंध की विवेचना कीजिए। मान लो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एग्ज़ाम में मान लो आप लोग को पूछा गया है कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता एवं संबंध की विवेचना कीजिए। आइए इस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करते हैं कि किसके आधार पर हम इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सिनोप्सिस, सिनोप्सिस जिसे हिंदी में बोला जाता है रूपरेखा, रूपरेखा तैयार करने की सबसे सरल विधि मैं आज आप लोग को बताऊँगा कि सबसे पहले आप प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना के आधार पर हमें शिक्षा और दर्शन, दो शब्द यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम देंगे प्रस्तावना, द्वितीय पद देंगे दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। दूसरा है शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। तीसरा देंगे परिभाषाओं का विश्लेषण, शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता, शिक्षा में दर्शन का संबंध, निष्कर्ष, इस टॉपिक से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, समीक्षा, संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ में यह टॉपिक कौन से बुक से लिया गया है और कौन से राइटर ने यह बुक का लेखन किया है, इनके बारे में वर्णन किया जाता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम क्या देंगे, हम देखते हैं प्रस्तावना, रूपरेखा, रूपरेखा बना हुआ है, इसमें देखिए दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता एवं संबंध की विवेचना कीजिए। इसके आधार पर प्रथम पद है प्रस्तावना, द्वितीय दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, परिभाषाओं का विश्लेषण, शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा में दर्शन का आवश्यकता, शिक्षा में दर्शन का संबंध, समीक्षा, निष्कर्ष, संदर्भ सूची के आधार पर रूपरेखा तैयार किया गया है। इनके आधार पर प्रथम पद है प्रस्तावना। आइए इनकी प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तावना में दर्शन से हम क्या समझते हैं, इनके बारे में प्रस्तावना देते हैं कि दर्शन वे शिक्षा का स्वरूप सामान्यतः एक दूसरे से संबंधित होता है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पहलू है और शिक्षा क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पहलू है। एक के बिना एक ही कल्पना ही नहीं की जा सकती। दर्शन शिक्षा का सख्त माध्यम है। दर्शन शिक्षा के अभाव में अपने अस्तित्व का प्रादुर्भाव नहीं कर सकता, अर्थात दर्शन वे शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू की भांति कार्य करते हैं। इनके आधार पर ये प्रस्तावना में हम यह दे सकते हैं। इनके आधार पर देखते हैं द्वितीय पद दिया गया है दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। आइए दर्शन का अर्थ देखते हैं किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पर कि शाब्दिक अर्थ दर्शन का दृश्य धातु देखना होता है, इसका अंग्रेजी भाषा होता है फिलॉसफी।
अंग्रेजी भाषा ये दो शब्द से बना हुआ है, फिलोस फियर, यही यह लैटिन शब्द है। इसके आधार पर फिल लॉस मिस होता है ज्ञान और स्फी मिस होता है प्रेम, दर्शन ज्ञान प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर कि दर्शन का अर्थ है ज्ञान की खोज करना, ज्ञान की खोज करना होता है। आइए इसके आधार पर हम दर्शन का अर्थ के आधार पर इनकी परिभाषाएं देखते हैं। वैज्ञानिकों के आधार पर परिभाषाएं किस प्रकार दिया गया है, आइए सबसे पहला परिभाषा देखते हैं। डी व्री के अनुसार इन्होंने बताया कि दर्शन का संबंध व्यवहारिक क्रियाओं तर्क रूप में परीक्षण है। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक ने बताया, रसेल नामक वैज्ञानिक ने बताया, उनके अनुसार दर्शन तर्कों के द्वारा किसी निश्चित निष्कर्षित में पहुंचने का सशक्त मार्ग है। उनके आधार पर वाटसन के अनुसार बताया कि दर्शन एक क्रियात्मक पक्ष को विकसित करता है जिसमें भविष्य की क्रियात्मक पक्ष अनुमान लगाया जाता है। ये वाटसन नामक वैज्ञानिक ने दर्शन को परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर आइए देखते हैं शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ शाब्दिक अर्थ शिक्षा, शिक्षा धातु अप्रत्यक्ष, उनके बाद सीखना वे सिखाना एजुकेशन, ये अंग्रेजी भाषा है। इसके बाद एडुकेटम यह लैटिन भाषा है। ए एडू को, ए ड्यूको, ए का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। अर्थात शिक्षा का अर्थ अंदर से आगे बढ़ना जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। आइए इनके वैज्ञानिकों के माध्यम से देखते हैं कि शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ये नवयुवक के प्रेरणा स्रोत महान पुरुष माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को। इसके बारे में देखते हैं, मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त ही शिक्षा है। यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा से शिक्षा को परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार फादर्स ऑफ इंडिया के रूप में महात्मा गांधी जी को जानते हैं। इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि बालक तथा व्यक्ति के आत्म शरीर का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक जिसे बायोलॉजी ऑफ फादर्स के रूप में जाना जाता है, इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किए हैं कि शिक्षा बालक में सत्य सुंदरम वे शिवा के पक्ष को सुदृढ़ करती है। ये अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया गया है। आइए इसके आधार पर देखते हैं कि शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। इनके आधार पर शिक्षा दर्शन दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा प्लस दर्शन। शिक्षा दर्शन अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पाठ के उद्देश्यों पद्धतियों निरीक्षण कर समीक्षा की जाती है। इनके आधार पर इनके परिभाषा देखते हैं। डी वी नामक वैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा दर्शन एक व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा दर्शन के बिना अपने अस्तित्व का संरक्षण नहीं कर सकता। इनके आधार पर ये शिक्षा दर्शन
को परिभाषित किए गए हैं। दूसरा परिभाषा देखते हैं, श्री मौली के अनुसार शिक्षा दर्शन विज्ञान का पक्ष है, किंतु इसमें तर्क पर ज़्यादा प्रोत्साहन करने के पक्ष को दर्शाती है। उनके आधार पर हॉटसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा दर्शन व्यवहारिक क्रियात्मक रूप है करके बताया गया है। आइए देखते हैं परिभाषाओं का विश्लेषण। इस परिभाषाओं के माध्यम से हमें क्या विश्लेषण मिलती है उसको दिया जाता है इसमें। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दर्शन शिक्षा मानव व्यवहार के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों तथा व्यक्ति के जीवन यापन संबंध क्रियात्मक पहलुओं का विश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त मानव की अंतर्दृष्टि भविष्यगामी क्रियाओं जीवन के आवश्यक पहलुओं की समीक्षा एवं दिशा निर्देशित भी करती है। इसके आधार पर विश्लेषण परिभाषाओं के आधार अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकताएं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि शिक्षा में दर्शन की आवश्यकताएं। शिक्षा का दर्शन में विशेष आवश्यकता है। इसके माध्यम से भावी पीढ़ी को समय के अनुसार समन्वय करने वे नई पद्धतियों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से शिक्षा में दर्शन की आवश्यकताएं, इस डायग्राम के माध्यम से उनको रूपों की व्याख्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यह है शिक्षा में दर्शन प्रत्येक के रूप में, दर्शन एवं शिक्षण विधि, दर्शन एवं समाज, दर्शन और शिक्षा पद्धति, दर्शन वे पाठ्यक्रम। इनके माध्यम से इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से पहले व्यक्त कर सकते हैं। इनके आधार पर हम एक एक टॉपिक को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला देखते हैं, शिक्षा में दर्शन प्रत्यक्ष के रूप में। इनका मतलब होता है कि शिक्षा में दर्शन प्रत्येक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रकृति को आध्यात्मिकवादी अध्ययन को दर्शन विचार को व्यवहारिक पक्ष प्रदान करते हैं। यह है शिक्षा में दर्शन प्रत्यक्ष के रूप में। उनके आधार पर देखते हैं कि दर्शन और शिक्षा पद्धति, इसमें दर्शन से उनके दर्शन शास्त्रियों का उदय हुआ है, जिसमें सुकरात से प्रश्न विधि, अरस्तु से निगमन वे आगमन विधि, मार्टसरी विधि, डॉल्टन विधि आदि प्रमुख हैं, जिससे ये खेल विधि को प्रमुख माना गया है। दर्शन और शिक्षा पद्धति के अनुसार इसके आधार पर देखते हैं कि दर्शन पद्धति के अनुसार कि दर्शन वे पाठ्यक्रम, दर्शन वे पाठ्यक्रम को देखते हैं। इसके आधार पर दर्शन में शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम बच्चों के रुचि योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। इसके आधार पर देखते हैं कि दर्शन एवं शिक्षण विधि के आधार पर कि दर्शन का शिक्षण विधि में प्रयोग करने वालों बच्चों की दर्शनिक शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। ये दर्शन एवं शिक्षण विधि के आधार पर। उसके बाद है दर्शन एवं समाज, पांचवा पद कि दर्शन का परीक्षा में समाज के माध्यम से उचित प्रयोग बालक के विकास के लिए किया जाता है। इसके आधार पर
दर्शन वे समाज की व्याख्या किया जा सकता है। इसके आधार पर देखते हैं कि शिक्षा में दर्शन का संबंध, शिक्षा में दर्शन का संबंध किस प्रकार होता है, उनको देखते हैं डायग्राम के माध्यम से कि शिक्षा में दर्शन का संबंध व्यवहारिक पक्ष होता है एक, ये दूसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। इसके आधार पर देखते हैं कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंग को प्रभावित करता है, पहला, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष, तीसरा है दिशा निर्देशन करती है। इसके आधार पर आइए इसके बारे में देखते हैं कि शिक्षा में दर्शन का संबंध किस प्रकार होता है। पहला देखते हैं कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंग को प्रभावित करता है, तो इसमें दे सकते हैं कि दर्शन का मानव से वे मानव का शिक्षा से संबंध है, यह एक दूसरे के पहलू हैं। और दूसरा देखते हैं कि क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष में दर्शन व्यवहारिक के क्रियात्मक पक्ष को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम होता है। इसके आधार पर तीसरा होता है दिशा निर्देशन करती है। इनमें दे सकते हैं चूंकि विभिन्न दर्शन शास्त्री अरस्तु, सुकरात, डल्टन, विवेकानंद जी का उदय दर्शन से हुआ है, अर्थात यह समाज का दिशा निर्देशित करती है। इनके आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। और उनके बाद हम समीक्षा, देखिए समीक्षा में क्या देते हैं, समीक्षा में दिया जाता है समीक्षात्मक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दर्शन वे शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है। रॉस नामक वैज्ञानिक के मत के अनुसार दर्शन वे शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना एक ही कल्पना नहीं की जा सकती। दर्शन वे शिक्षा दोनों का ही कार्य, विद्यालय समाज वे बालक का स्वर्ग गीड़ा विकास करना ही शिक्षा का दर्शन अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष तो इसमें हम देंगे, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दर्शन वे शिक्षा समाज का मूल्य आधार है जो समाज को सशक्त माध्यम से प्रदान करती है। शिक्षा दिशा निर्देशित करती है तथा विकास के योगदान करते हैं, यह हम निष्कर्ष में दे सकते हैं। इनके आधार पर देखिए संदर्भ ग्रंथ, यह टॉपिक मैं शिक्षा का आधार नामक बुक से लिया गया हूँ, और इनके जो लेखक हैं आर के शर्मा हैं इनके राइटर, इनका संदर्भ ग्रंथ में दिया जाता है। पुस्तक का नाम शिक्षा का आधार, लेखक का नाम आर के शर्मा, के आधार पर हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसे एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं।